सपोज फ्रॉम दैट वन ईयर ध्यान दे जी, ध्यान से सुनिए आप। बता रहे कि जिंदगी कैसे बदली है, कि शब्द नहीं है आज बोलने के लिए ना, क्योंकि प्रभु असंभव को संभव करता है, अद्भुत काम करता है। ये 5 मिनट में 10 मिनट में बता के जाने वाली बातें नहीं है, उस जिंदगी को जो झेल के आए, उस जिंदगी भर का अनुभव 5-10 मिनट में नहीं बता सकते, बहुत थोड़े शब्द है ना, समय थोड़ा, इसलिए बस बेसिक बातें आपको बता रहे कि कैसे अद्भुत काम होता है, कैसे प्रभु काम करता है, बस उसकी संगति में बने रहिए, जैसा सिखाया जा रहा है सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, चाहे प्रेजेंट में अभी वर्तमान में कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, रेगुलर आते रहिए। और कैसे रेगुलर आने से आपको जिंदगी बदलेगी मैं बताऊंगी आपको। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं लाली की। लाली एक वो शब्द है जो कि संसार में जब बेटी पैदा होती है उसको सबसे पहले लल्ली लाली कह के ही बोला जाता है, हिंदू धर्म में, बाकी कोई कुछ भी बोले। मैं पैदा हुई, बड़ी हुई, बहुत संघर्ष किया, पीएल में भी, ससुराल में भी पति मिला, वो भी ऐसे ही मिला, बच्चे पैदा हुए, अच्छे हुए, खाने को रोटी नहीं आती, पीने को पानी ना था, जीवन में बहुत संघर्ष किया, सास ससुर लेके तो गए भी आके, लेकिन दिया नहीं कुछ भी, बच्चों ने भूखे रह रहे के टाइम पास किया, कभी किसी से मांग लिया, कभी किसी से मांग लिया, लेकिन खुदा ने भाभी संभाले रखा था, भले ही 15 दिन महीना भर चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 दिन 3-3 दिन की भूसी हुई रोटी भले ही कोई पड़ोस वाला देता था, लेकिन आधी आधी रोटी में मेरे बच्चों का पेट में भर दी थी। चलो भाभी खुदा का धन्यवाद, बहुत संघर्ष सह के फिर खुद कमाने निकली, मेरी माँ मेरे बाप ने भी बहुत दुख दिए जीवन में, कहीं सुख नहीं था मेरी जिंदगी के अंदर, माँ थी आती थी ले 2 रुपए ले ले, 5 रुपए ले लूं तो 5 रुपयों को कितने दिन चलाती, वहां भी खुदा ने संभाला, 3 बच्चे हुए संघर्ष के साथ, दुखों के साथ, भूखे रह रह के पैदा किए, एक एक हफ्ते की चच्चा, बाप ने इतना दुख दिया कि चल उठा इसको, पुष्ट के बच्चे बना बना के यहाँ पढ़ रही है, इनको उठार दफाओ यहाँ से, अपनी बच्ची को लेकर उठाई और चल दी पैदल पैदल, माँ मेरी छोड़ने जा रही है, धीरे धीरे चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, ससुराल में पहुंची, पानी नहीं, खाने को नहीं, कुछ नहीं, माँ भी खुदा का धन्यवाद, जिंदगी करती गई, बिताती गई, कहीं कोई जीवन मेरा अच्छा नहीं था, फिर उसके बाद बच्चे 1 साल का 2 साल के 3 साल के कुछ नहीं, माँ ने कब लगा के आए कि तेरी जैसी लड़कियां अपने आप कमा रही हैं और खा रही हैं, तू कब तक इस आदमी का इंतजार करती रहेगी, ये सदा जुआ खेलता रहेगा, तुझे कभी नहीं देगा कमा के, मेरे सास ससुर भी वो कभी नहीं पूछते थे, बच्चे कमाने गई, काम लगाया 1200 से काम लगा के करते करते 12000 तक पहुंची, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चे मेरी जमा पूंजी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इसी दौरान इसी के बीच में मेरा पति मुझे सुख देने से तो गया था, जुआरी था 1 नंबर काम, मुझे दारू पीनी सिखाई, नशा कराया, 12-13 साल से दारू पीती रही, उसके रंग में रंगती रही, कहीं कोई जीवन में सुख नहीं था, 12 साल से दारू पीते, खुद तो एक दिन मर गया, उसके बाद मेरा भी जीवन ऐसा था कि मैं भी मर जाती, लेकिन
खुदा का धन्यवाद मेरे माँ बाप, कोई ऐसी जगह नहीं जो बेचारे ना लेके गए हो। मेरी माँ दुनिया में ले लेके गई, चौसी पंडित मौलवी जहाँ भी कोई जैसा कहता था बेचारी वहीं लेके चल देती थी, बच्चों को भी देखती थी। चार साल मरण सेज पे पड़ी थी मेरी बड़ी लड़की ने इतना संघर्ष किया है, बाप के मरने के बाद बेचारी काम कमाने लग गई, 4-6 हजार जो भी मिलता था घर में भी चलाती थी, वो तनख्वाह खाने को देती थी, सारे पैसे उसके दारू में लुटा देती थी। कभी मैंने अपने बच्चों को रोटी भी नहीं दी थी। 4 साल मेरे बच्चों ने भूखे रह रह के टाइम पास किया। मेरा लड़का डर के मारे घर में भी नहीं आता था क्योंकि चिल्लियां मारती रहती थी, गली में से गुजरते थे तो कहते थे हर जा ये बला आ रही है, ये चुड़ैल आ रही है, अपने अपने बच्चों को अंदर कर लो। लोग देखते थे थूकते थे, ये इसकी तरफ देखना तक भी नहीं, अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो शक्ल देख के नमस्कार करे, लेकिन वहां भी खुदा ने संभाल रखा था। 3 बार फांसी लगाई उससे भी नहीं पड़ी, बोल बच्ची बर्तन धोती धोती कह दी ये पानी कहाँ से आ रहा है, वो पानी नहीं था, मैं मुंह तक निकल गया था, मेरा हर जीव बाहर निकल गई थी। वो बेचारी बर्तन धोती धोती उसने पड़ोसी को बुलाया मेरी मम्मी लटक रही है, उन्होंने माँ भी बचाया, 1 गिलास में दारू रख लेती थी, 1 गिलास में खटमल मच्छर मारने वाली दवाई रख लेती थी, उसको पीती थी और उसको पीती थी। 3 बार पी मैंने लेकिन वहाँ भी नहीं मरी मैं, माँ भी मुझे खुदा ने संभाला, खुदा ने इतना संभाला बहुत ज्यादा। जिस दिन में खुदा में आई, एक दिन मेरे पापा ऑटो लेके जा रहे थे, वहां पर एक बेटी मिली, मेरे पापा का सास फूलता था, मेरे पापा से वो कहने लगी अंकल तुम्हारा सास फूल रहा है, तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। कह रहा नहीं बेटा मेरे 4 बच्चे हैं, चारों ही नशेबाज है, मेरी बड़ी लड़की का तो इतना बुरा हाल है कि वो तो बाबरी हुई डोलती है लोग रोडों पर, और जहाँ मर्जी मरने के लिए निकल जाती है, कभी पीतमपुरा कभी नागलोई कभी पीरागढ़ी, जहाँ भी देखो वो बसों ट्रकों के आगे खड़ी रहती है, कभी उसे कोई लाता है कभी कोई लाता है, लेकिन वहाँ भी खुदा ने संभाला। पापा ने आके बोला कि जा इसको वहाँ ले जाओ, मुझे आज एक लड़की मिली थी उसने मुझे बोला कि अंकल वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगी, कोई तुमसे भेंट पूजा नहीं लेगा, अपनी बेटी को भेजना, हम सिर्फ दुआ करेंगे। मेरे पापा कहने लगे कुछ भेंट पूजा तो नहीं मांगोगे, तो वो कहने लगी नहीं भेंट पूजा नहीं लेगी सिर्फ दुआ करेंगे। मेरी मम्मी से कह रहे थे जा इसको लेकर चली जा, वो कुछ नहीं मांगेगी, इसको कुछ नहीं मांगेगी तो लेके तो जा। हम ढूंढते मैं नशे में ही रहती थी हमेशा, ढूंढते वो मुझे लेकर गई, कह रही यही घर है, मैंने कहा मम्मी यही घर है यहाँ पर ही चल। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर एक बड़ी बहन थी, वो दोनों बहनें थी, उसकी बड़ी बहन को देख के मुझे डर भी गई थी, लेकिन वो उस बेटी ने मधु बहन ने एक उर्मिला बहन भी आ गई थी, तीनों चारों ने मेरे लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने बोला कल हमारे घर प्रार्थना है, तुम आंटी इसको लेकर जरूर आना और पास्टर दीदी भाई आएंगे और यहाँ उसकी बच्ची के तुम्हारी बेटी के ना छुटकारे हो जाएंगे। अगले दिन उनके बेटे का बर्थडे था, दीदी भैया आए, हम बैठे हुए थे उस टाइम भी नशे में बैठी हुई थी, लेकिन उस दिन मेरे इतने छुटकारे हुए, खुदा का धन्यवाद। बैठ नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, ऐसी थी। मैं जानती मेरे माँ बाप ने भी मेरे पीछे बहुत दुख देखा है, मेरे बच्चों ने भी। आज मेरे खुदा ने मुझे इतना ऊपर उठा के खड़ा किया है ना, वो मेरे परमेश्वर ने किया है, वो मेरे खुदा ने किया है। आसमान के लिए जाके बिठा दिया, ये मेरी समझ है। 25 साल से किराए पे डोलती थी, आज मुझे अपने घर से ब्रेस किया, मेरे बच्चों को गाड़ी भी दिलाई, सब खुदा की देन है, रत्ते कपड़े सब कुछ, और आज अच्छे बेटे से भी। मैंने अपनी बेटी के लिए प्रभु से बेटा मांगा था, मेरे प्रभु मेरी बेटी को लड़का अच्छा दियो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी के लिए लड़का अच्छा दियो। और देखो मेरे खुदा ने मेरी सुनी भी, वो आज तक मेरी सुनता आया, आज तक मेरी सुनता, एक लड़का बेटे ने ब्लेस किया।
घर से जॉब से गाड़ी बदला, मेरे बच्चे जो जिन्होंने इतने इतने दुख देखे, वो लड़की जो अपने ससुराल से आती थी, ये मैं अपनी माँ के पास जाऊँ, उसके पति ने भी मार मार के पीट पीट के भगाया, लेकिन कहते ना जाएगी कहाँ, जब उसकी माँ किसी हाल से पड़ी है तो किसके द्वारे जाए, उस लड़की ने भी इतने दुख से है। खुदा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिल दार अपने खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत ज्यादा, जिसने मुझे जमीन की रेत से उठा के आज आसमान के चांद तारों में ले जाके बिठाया। प्रार्थना करी थी और प्रभु ने बोला, उनकी बेटी का नाम दिया और मैं समझ नहीं पाई परमेश्वर ये नाम मुझे क्यों दिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कहाँ जिंदगी होती, कहाँ से कहाँ उठा सकता परमेश्वर, जो आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच और समझ से कहीं बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता। कितना दुख भरा जीवन था, लेकिन आज सच में कह रही बहुत ब्लेसड लाइफ है, और अपने साथ साथ ये खुद तो आशीष पा रही है, दूसरों के लिए आशीष का कारण। हालेलुया। और हमारे दिनों में प्रार्थना में रखिएगा, हमारे बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो, उनके लाइफ टाइम पे, और जितना दुख उसने मायके में देखा ना, कभी ससुराल में एक दिन भी वो दुख ना देखा। yes, इतना सुख परमेश्वर उस बच्ची को, इस परिवार को इतना सुख, और हर बच्ची के लिए मेरी यही दुआ है, हम अपना जितना बेस्ट कर सकते हैं ना अपनी बेटियों के लिए, है ना, क्योंकि आज वुमेन्स डे है, इसलिए जोरदार तालियां बहनों के लिए। अगर वो विश्वास नहीं पकड़ा होता, यीशु मसीह को अगर नहीं पकड़ा होता, तो आज ये यहाँ खड़ी नहीं हो सकती। यहाँ सु बता रहे कि ये पैसा देके यहाँ खड़ा नहीं किया, बहुत से लोगों को लगता है शायद पैसा लेके खड़ा कर दिया। आज चाहे प्रेजेंट में आपको कितना दुख लग रहा है ना, रेगुलर आते जाएंगे। और मुझे भी एक बात याद दिला परमेश्वर, जैसी क्लास है, सोचो ये कीचड़ का भरा क्लास है, अब इसमें से अगर कीचड़ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा उंडेल के खाली करना पड़ेगा, और अगर इसको उंडेल के खाली नहीं कर रहे तो एक काम और करेंगे कि दूसरी जगह से पानी और इसमें डालते जाएंगे, गंदगी बाहर निकलती है। कि जब आप रेगुलर संगति में आओगे पवित्र आत्मा के जल के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब उसके अंदर उंडेली जाएगी, जिंदगी की सारी गंदगी धीरे धीरे करके निकल जाएगी। आमें। आमें। और आज वो टाइम ऐसे ही है। yes, Lord. पहले बोलेंगे दो मिनट बेटा, कोई बात नहीं, तो आप जा सकते हैं बेटा, रुक जाइए, प्रभु के काम में गड़बड़ी नहीं कीजिए, शांति से बैठिए, बिल्कुल आप प्रभु के पास आकर ठीक हो गए, है ना। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो हो नहीं सकता उसको पूरा करके दिखाता है, है ना। जिंदगी में कितना दुख है, कितनी परेशानी, कितनी असफलताएं, कितना दुष्ट आत्माएं, आप अगर या जैसे बहन ने बताया ड्रिंक कर रही थी, ड्रिंक की समस्या, पहले लोग कहेंगे पहले भाई दारू पीना छोड़ फिर चल रहे, हमने कर यीशु मसीह जब पापियों के बीच में गया हम बेचारे, और जब ये बहन से पहली बार मिली है होश में भी नहीं थी, और बैठ रही थी और गिरे जा रही थी, क्योंकि होश में नहीं थी, ड्रिंक इतनी ज़्यादा कर रखी थी, इतनी स्मेल आ रही थी। बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी वो ड्रिंक करके तो संगति में आना नहीं चाहिए, जब यीशु मसीह पापियों के लिए गया तो आपको उसको भी पापियों के पास बचाने के लिए जाना, वो अपने आप से नहीं कसूरवार थी, पर कुछ गंदी शक्तियाँ इनके जीवन में ऐसी काम कर रही थी जिसके द्वारा इनकी जिंदगी का सारा आनंद चुरा लिया गया। लेकिन जब यीशु मसीह इनके जीवन में आए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु का लहू हमें धो के पाप और साफ कर, क्योंकि पापों ही के कारण हमारी भलाई नहीं है, है ना। जब यीशु मसीह जीवन में आए, पाप क्षमा हुए, और डे बाई डे करके इतना आगे बढ़ी कि आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि बहुतों को सुसमाचार सुना। yes. बहुत से लोग इनके द्वारा बचाए गए, बहुत से परिवार बचाए, आज इनके तीन परिवार, ये परिवार इनके समधी परिवार, समधियों के समधी परिवार, उनके दरानी जेठानियों के परिवार आज यहाँ बैठे हुए हैं, जरा हाथ हिला दें सारे लोग जो इनकी साइड से आए हैं। हालेलुया, मिलते मिलते, और कितने अद्भुत काम इन लोगों के जीवन में भी हो चुके हैं कि खुद भी आशीष पाई और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हालेलुया, जोरदार ताली जिंदगी बदल रही है। कुणाल जो इसकी भी आँख बंद थी, और प्रभु ने ऑपरेशन थे, तीन तीन ऑपरेशन थे, लेकिन दो ऑपरेशन कराने के बाद ही आँख ठीक नहीं थी, इस साइड वाली आँख इसकी बिल्कुल बंद थी, डॉक्टर ने बोला तीसरा ऑपरेशन भी करा लो, बोला तीसरा ऑपरेशन होगा तो आँख खुलेगी, खुली रहेगी, और इन्होंने थर्ड ऑपरेशन कराने से मना कर दिया, आँख बिल्कुल बंद थी। जब प्रार्थना हुई ऐसे 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 करके, ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ तो यहाँ इसके लिए प्रार्थना करी मैंने, और जैसे ही प्रार्थना हुई एक सेकंड के अंदर आँख खुल गई। हालेलुया, जोरदार ताली, बहुत अच्छी चीज है, फैस के लिए बड़ी अच्छी चीज है, और जाके सेवा करते तो पक्का
के सेवा करते हैं, बना के सेवा करते हैं, लेकर आते हैं, और कितने लोगों के साथ ऐसा है। हालेलुया, समय थोड़ा है इसलिए मैं बहुत सारी गवाहियां नहीं लूंगी, मैं थोड़ा सा वचन के साथ जाऊंगी। हालेलुया, बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हैं, बहन किरण है, बहन कमला है, बहन रामदेवी है, बहुत सारे लोग हैं, सबके पास अच्छी अच्छी गवाहियां। वो बहन बैठी है, उनकी बेटी, बेटी का बच्चा पेट में मर गया, बेटी का भी और बहू का भी, छह बहन। मम्मी हाथ ऊंचा कीजिए, हाथ ऊंचा कीजिए, हाथ ऊंचा उठाइए। इनकी बेटी का भी और बहू का भी बच्चा पेट के अंदर मर गया था, लेकिन जब प्रार्थना हुई वो चल गए, बोल चुके जिंदा हो गए और जन्म ले चुके हैं, और दो दो तीन तीन साल के हो गए, दो साल के हो गए। यह संभव को संभव करने वाली सिचुएशन कौन से, प्रभु यीशु से। एक और गवाही हमारे बीच में भाई दिनेश है, वचन को जानने के बाद जब हम वचन के अनुसार नहीं चलते, थोड़ा सा बताऊंगी जिंदगी कितनी खराब कर देता शैतान, जिंदगी का हर आनंद चुरा के ले जाएगा, उसका काम है चोरी करना, घात करना, नष्ट करना। और ये परिवार, ये शादी ही, इन बच्चों की शादी प्रभु की दया से हुई थी। बच्ची के लिए पंडितों ने बोल दिया था कि इसकी शादी नहीं होगी, इसकी शादी के ऊपर निकल चुकी है, लेकिन जब प्रभु से मिले, प्रार्थना की गई, इनके पति साहब बैठे हैं, भाई प्रभु की दया से पति पत्नी के रूप में जुड़े हैं, शादी हुई, लेकिन प्रभु के तरीके नहीं चल रहे, छोटी सी गलती, क्योंकि इतने सालों से उन चीजों में पड़े हुए थे कि लगता नहीं था प्रार्थना से भी कुछ होता है। शैतान ने इतना खदेड़ा कि बीते दिनों मरने की नौबत आई, बीते दिनों बेटे को भी खोया इन्होंने गलत अंगीकार करने से। मैं सिर्फ इसे बुरा कहने के लिए नहीं बोले, प्लीज माफ करना मुझे, सिर्फ एक गवाही के तौर पे कि प्रभु को जानकर जब हम प्रभु के तरीके में चलते इतना दुख आ जाता है, और ये दुख परमेश्वर नहीं देना मांगते। वचन में साफ लिखा कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करेगा, और शैतान का काम सिर्फ चोरी करना, घात करना, नाश करना। बीते दिनों भाई ने इतना वो गंदी स्पिरिट काम कर रही थी कि इनको इतना ड्रिंक करवा देती थी कि होश में भी नहीं, हॉस्पिटल में गया और इनको बेड तक नहीं मिल रहा था। मैं जब देखने गई, प्रार्थना के लिए गई, पूरे हॉस्पिटल में घूम काम जाकर भाई नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि बेड नहीं मिला। मैं बेड बेड देख रही थी, इनको नीचे पड़े हुए थे, होश में नहीं थे। इनके भैया वहाँ पर जाकर प्रार्थना करी, परमेश्वर ये जोड़ा तूने जोड़ा, और इन्हें गवाही के साथ खड़ा कर। जब होश में आए तो उसे प्रार्थना करी, उस बेटी के विश्वास से, पत्नी के विश्वास से पति बचाए गए, और भाई बता रहे कि बहुत दिनों से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गंदी शक्ति इनको आने नहीं दे रही थी, लेकिन वो बेटी हारी नहीं, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना कर, सभी लोग प्रार्थना करें कि भक्त सही लोग वापिस आ। प्रार्थना का जवाब के भाई आज हमारे बीच में और सही सलामत है। कितनी बार मौत के मुंह में गए, कितनी बार, लेकिन जब जब प्रार्थना हुई प्रभु ने मौत के मुंह से निकाल के लौटा, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु सबसे प्यार करता है, प्रभु नहीं चाहता कि एक भी आत्मा इनमें से नाश हो जाए। लिखा है, नारी क्या तू नहीं जानती कि तू अपने कुल का उद्धार करा सकती है। एक स्त्री के लिए मैं बात करूं, क्योंकि स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। भाई जी आप ड्रिंक भी नहीं कर रहे, जोरदार तालियां, प्रभु असंभव को